हमसे कह रहा है पी जो है जीरो से बड़ा है। यहाँ पर जो पी है जीरो से बड़ा है तथा क्यू भी क्या है जीरो से बड़ा है के लिए, इसके लिए क्या करना है, लॉग पी बटे क्यू प्लस में लॉग क्यू बटे पी बराबर इतना हो तो सत्य होगा। इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा वही हम लोग को हल करना है। आप यहाँ पर एक फार्मूला जानते होंगे लॉग एम बटे एन का, किसका मेरे भाई, लॉग एम बटे एन, ये क्या होता है लॉग एम माइनस में लॉग एन हो जाता है। इसी वाले फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा लॉग में पी माइनस में लॉग में क्यू आएगा, हाँ आएगा। इसको तोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा लॉग में क्यू और माइनस में लॉग पी। इधर जो लिखा है ये वाला टर्म उसको सेम टू सेम लिख देते हैं लॉग पी प्लस में क्यू। ये देखिए ये क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, इधर क्या आ गया जीरो और इधर क्या है लॉग पी प्लस क्यू। इसका बेस्ट टेन ले सकते हैं क्योंकि बेस्ट टेन इधर हो जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू बराबर 10^0। कौन सा रूप है, घातांक रूप है। यहाँ से हमारा पी प्लस क्यू बराबर आ जाए, किसी का पावर ए जीरो होता है तो उसका मान एक हो जाता है, तो यहाँ से रिलेशन आ जाता है पी प्लस क्यू बराबर एक। कौन है भैया, है ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर देखते हैं कह रहा है इतने का मान, ये देखिए ये वाला जो फार्मूला है अगर ऐसे लिखा रहता है तो ऐसे लिख देते हैं माइनस लगा के, अगर ऐसे लिखा रहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहोगे हाँ तो लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग, यहाँ से अगर एक्स कामन ले ले, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है तो एक्स कामन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन बचेगा और ये इसके नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन। अब बेस कितना, चार, बराबर कितना है दो, ऐसे ये कट गया, क्या आ गया मेरे भाई लॉग एक्स बेस चार बराबर दो। अगर हम लोग एक्स बराबर निकाल ले 4^2 बराबर होता है 16, ये वाला बढ़िया बढ़िया नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़िया तो ये है। इधर देखते हैं, बड़े ही लाजवाब सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, हम आपको कैसे बताते हैं। इधर देखिए कह रहा है ए बी सी क्रमिक संख्याएं, क्रमिक मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है क्रम से है, तो यहाँ पर भी क्रमिक दिया है तो ए बराबर हम लोग एक फाइंड आउट कर लेते हैं मान लेते हैं और बी बराबर एक दो मान लेते हैं, सी बराबर कितना मान लेते हैं तीन मान लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है लॉग इतना बराबर होगा, इतने का मान पूछा है मेरे भाई, निकाल लेते हैं। किसके टर्म में पूछा है, बी के टर्म में पूछा है, यहाँ पर ए सी दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ए सी, तो इसका मतलब ए सी का गुणा किया होगा, गुणा हम भी कर देते हैं तो ए सी बराबर आ जाएगा 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3। इधर एक जोड़ देते हैं और इधर भी एक जोड़ देते हैं ये वाला पूरा टर्म लाने के लिए, तो इधर आ गया 1 + ac और उधर आ गया 4, कितना आ गया मेरे भाई 4। इस 4 को लिख सकते हैं 2 * 2, 2 का मान कितना है b है, तो यहाँ लिख सकते हैं b * b यानी कि बी का स्क्वायर, यानी कि 1 + ac बराबर आ गया बी का स्क्वायर। दोनों पक्षों में अगर लॉग ले लेते हैं तो ये आ जाएगा लॉग 1 + ac बराबर लॉग बी स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 2 log b, कितना मेरे भाई 2 log b। कौन वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला, बड़ा ही बेहतरीन सवाल।